अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल एडवाइस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी XVR की प्लस कैमरा की। तो आज की इस वीडियो में हम XVR को सेटअप करेंगे, इसमें हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल करेंगे। जो मेरे पास हार्ड ड्राइव है इसको हमने इंस्टॉल करना है इसके अंदर। तो हार्ड ड्राइव को इंस्टॉल करने के साथ साथ इसकी सारी सेटिंग्स, पासवर्ड वगैरह कैसे लगाते हैं वो वाली सारी सिक्योरिटी और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह इसकी करेंगे। इसके ये स्क्रू आपने चार वाले यहाँ पर, एक दो और चार वाले स्क्रू आपने खोल लेने, मैंने ऑलरेडी खोल लिए टाइम की बचत के लिए, ठीक है। इस तरह आपने इसका कवर उतार लेना है। यहाँ पर इसमें कुछ केबलें हैं जो हमने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। यहाँ पर ये केबल होती है जो हार्ड को पावर देती है, ये वाली केबल हार्ड को पावर देगी। यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है इस जगह ऑप्शन के ऊपर, इस जैक के ऊपर हम इसे लगा देंगे। ये साटा केबल, इस साटा केबल को हमने लगा लेना है, सिंपल सा काम है। इस तरह इन दोनों केबलों को हमने लगा लेना है साथ। फिर हार्ड की ये पोर्ट होती है, इस पोर्ट का ये पावर वाली पोर्ट होती है, ये डाटा वाली पोर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर हम साटा केबल को, ये इधर जैक बना हुआ जिस हिसाब से आपने देखे इस तरह लगा लेना है। इस साटा केबल को हम लगा लेते हैं, साथ में हम पावर केबल को लगा लेते हैं, ठीक है। दोनों केबल्स को हम लगा के यहाँ पर इसके स्क्रू हमने लगा देने, ठीक है। मैं इसका जल्दी से स्क्रू लगा लेता हूँ। एक यहाँ पर हार्ड को आपने लेवल कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हार्ड को जब आप लेवल करेंगे तो हार्ड का ये आपके पास स्क्रू शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक दो तीन और चार ये आपने लगा लेने, ठीक है। इसके बाद लगाने के बाद अब मैं आपको डिस्प्ले देता हूँ, आपने लगा लेना। मैंने आपको सेटअप करके दिखाना है। ये इसका माउस है, इसके पीछे दो USB की पोर्ट है, ठीक है। तो ये 4-channel DVR है, तो हम XVR कह लें या DVR, ये 4 port है। इसमें एक USB में हमने इसे प्लग इन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर USB के साथ लगा लेते हैं। और इसका ये जो चार्जर है, ये वाला चार्जर इसका 12 volt का या 5 ampere का, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। 12 volt का होना चाहिए, कम से कम 1.5 ampere का होना चाहिए, ठीक है। ये वाला चार्जर है, मैं बिजली के साथ इसे अटैच करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे लगा लेता हूँ। तो मैंने लगा लिया इसे, तो इसकी पावर ऑन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर पावर ऑन करते हैं। ये मेरे पास एक LCD मौजूद है, इसके पास साथ मैंने ये विजय केबल अटैच की हुई है। XVR को मैं विजय केबल के साथ अटैच करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं विजय केबल इसके अटैच कर लेता हूँ। अभी डिस्प्ले हमारे पास इसका आ जाएगा, अभी आपको दिखाते हैं इसकी सेटिंग कैसे करनी है। तो इस तरह आपका XVR ऑन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्क्रीन इसकी इसी तरह शो नहीं, फर्स्ट पर जो यूज़र नेम है इसका एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट है, और आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाना है इसका। आपका पासवर्ड कम से कम, यहाँ पर इसका पैटर्न है जो आपने लगाना, ठीक है। यहाँ से मैं लगा देता हूँ ये वाला, आप जो मर्जी अपनी मर्जी से लगा लें। ये इतनी सी इसकी सेटिंग है। यहाँ पर अभी आपने यहाँ से जो सेटिंग है ना, ये लाजमी करनी है। ये भी जब हम पासवर्ड चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट करना होता है, तो यहाँ पर ये हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, जब पासवर्ड फॉरगेट करना होता है। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, जो आपकी फेवरेट चीज़ है, जो भी चीज़ आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, चिल्ड्रन या बुक्स अपने XVR की, ठीक है। यहाँ पर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर इसका एग्रीमेंट है, आपने यस आई हैव रीड का ऑप्शन क्लिक करना है, और नेक्स्ट। यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट आपने ऑटो इसकी करनी है या नहीं करनी, वो वाला ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसका इंटरनेट ऑन है, ऑटो अपडेट इसकी हो जाए सॉफ्टवेयर, तो आप वो चेक दे दें, अदरवाइज इसे कैंसिल कर दें। मैं तो कैंसिल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर XVR का, यहाँ पर डिवाइस का नेम है, यहाँ पर कैमरे का, यहाँ लैंग्वेज है, यहाँ पर डेट है। आपने सबसे पहले इसकी डेट भी सेटिंग कर लेनी, जो भी आप यहाँ पर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर डेट वगैरह आपने इसकी सेट कर लेनी है, ठीक है। बाकी सिंपल है, कुछ खास नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट करके आपने, यहाँ पर नेक्स्ट करके, और यहाँ पर ये ऑफलाइन ऑनलाइन का या इंटरनेट का है, इसके बाद की जो मेथड है इसको मोबाइल के ऊपर कैसे ऑनलाइन कहते हैं वो चीज़ें आपको मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी इसकी सेटिंग है, इसको आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके और नेक्स्ट करके यहाँ पर फिनिश कर देना है। तो बाकी अगर आप 4 कैमरे लगाते, 2 कैमरे लगाते, कितनी कैमरों की रिकॉर्डिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अभी हमारा आता है कि इसके ऊपर हमने कैमरे को लाइव आपको करके दिखाता हूँ, कैमरे को किस तरह हमने इसके साथ अटैच करना है। एक 12 volt की सप्लाई ये XVR की हमारे पास लगी हुई है, XVR की 12 वोल्ट की सप्लाई हो रही है, कैमरे के लिए मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई लगाई हुई है, और एक इसके साथ BNC केबल अटैच होगी, ये इस तरह की BNC केबल, तो दोनों तरफ से इस तरह की होगी, ठीक है। यहाँ पर BNC केबल दोनों तरफ से इस तरह की होगी, आपने इस केबल को इसके साथ अटैच कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसको साथ अटैच करते हैं, इसी तरह आपने XVR के पीछे पोर्ट के साथ अटैच कर लेना है। इस तरह XVR की पोर्ट के साथ भी हम अटैच कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप BNC अटैच हो जाएगी, दोनों तरफ से इस तरह अटैच हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास जो 12 वोल्ट की पावर है वो आपने कैमरे में लगा देनी है। कैमरा भी आपका इसके साथ ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम ऑन करते हैं, तो यहाँ पर स्क्रीन के पास हमें स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले आ जाएगा जैसे कैमरा ऑन होगा, ठीक है। तो आपको ये कैमरा स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा, अभी ये लोडिंग हो रहा है। ये देखें, ये कैमरे का रिज़ल्ट है, रात का वक्त है, अभी देख लें, मैं शॉप में बैठा हूँ। तो अभी जो हमारे पास ये इसका रिज़ल्ट अभी आ रहा है, ये फ्रंट पे इसके, ये कैमरे के आप फ्रंट पे देख सकते हैं, ये इसका जो चॉपर था वो आपने उतार देना, ठीक है। यहाँ से मैं उसे उतार देता हूँ,
ये आपने उतार देना, पहले से भी ज़्यादा इसका रिजल्ट क्लियर। ये मेरी शॉप है, आप देख रहे हैं 2 मेगापिक्सल का ये कैमरा है, अभी भी रात का वक्त है, ये नाइट विजन में भी वर्क करता है। अभी आपने नाइट में चेक करना था, यहाँ पर मैं ब्लैक करके आपको इसे चेक करवा देता हूँ, ठीक है। अभी आप इसके ऊपर फ्रंट पे आप होल्ड कर लें तो ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। वो भी सीन मैं इसका आपको चेक करवा देता हूँ। अभी जैसे आप होल्ड करेंगे इसे ब्लैक, ये ब्लैक में आप देख सकते हैं, होल्ड मैंने किया था ये ब्लैक में हो गया। जब आपके लाइट चली जाती है जो ब्लैक इस तरह में वर्क करेगा, जैसे आप ब्लैक इसे ब्लैक का भी रिजल्ट इसका फोकस अच्छा होता है। जैसे मैं काउंटर के अंदर जाता हूं तो आप देख सकते हैं ये काउंटर के अंदर कुछ चीज़ें हैं ब्लैक जो वो आपको नज़र आ रही। अच्छा इसका रिजल्ट है, 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, रेंज भी काफ़ी है इसकी। एक शॉप के कॉर्नर में आप देख सकते हैं मैं हूँ तो इसने शॉप का सारी कवर की हुई है। तो इसके साथ इसी तरह आप सारे कैमरे अटैच कर सकते हैं। बाकी इसमें आता है कि हमने एक्सटेंड करनी है इसकी वायर, कितने कैमरे साथ अटैच कर सकते हैं और कितनी वायर लगा सकते हैं, वो नेक्स्ट आप नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। हम इसकी वायर कैसे एक्सटेंड करते हैं और इसकी XVR के रिकॉर्डिंग की सेटअप कैसे करते हैं और बाकी सारी चीज़ें इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में कुल वक्त इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दवाओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।